सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया, आपने 90 मिनट बोला, ये संसद में तरीका ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आप इस तरीके से संसद की मर्यादाओं को बनाए उचित नहीं है। आप जाइए बेंच में से बैठिए, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, आपको 90 मिनट बोलने दिया और समय पूरा दिया, आपकी सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। लेकिन आप जब सदन के नेता बोलते हैं जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और ये इतनी बड़ी पार्टी जो लेकर आप चल रहे हो उसकी परंपराओं के अनुरूप ही नहीं है। ये 5 साल ऐसे चलने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आया है और 60 साल के बाद आया है। इसका मतलब ये सिद्धि पाना कितना कठोर परिश्रम के बाद होता है, कितना अभूतपूर्व विश्वास संपादन होने के बाद होता है। ऐसे ही राजनीति के खेल से नहीं होता है, जनता जनार्दन की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद से होता है। आदरणीय सभापति जी, जनता ने हमें स्थिरता और निरंतरता इसके लिए जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव के साथ ही आदरणीय सभापति जी, लोगों की नजर से चीजें जरा ओझल हो गई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हमारे देश में 4 राज्यों के भी चुनाव हुए और आदरणीय सभापति जी, इन 4 ही राज्यों में एनडीए ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त। हमने शानदार विजय प्राप्त की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की धरती उड़ीसा ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आंध्र प्रदेश एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है, सूक्ष्मदर्शक यंत्र में भी ये नजर नहीं आते हैं। आदरणीय सभापति जी, अरुणाचल प्रदेश हम फिर एक बार सरकार बनाई है, सिक्किम में एनडीए ने फिर एक बार सरकार बनाई है। अभी 6 महीने पहले ही आदरणीय सभापति जी, आपका होम स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने प्रचंड विजय पाया है। आदरणीय सभापति जी, हमें नए नए क्षेत्रों में जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिला है। आदरणीय सभापति जी, बीजेपी ने केरला में इस बार खाता खोला है और बड़े गर्व के साथ केरला से हमारे सांसद हमारे साथ बैठते हैं। तमिलनाडु में कई सीटों पर
बीजेपी ने दमदार उपस्थिति दर्ज की है। कर्नाटक, यूपी और राजस्थान में पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। आने वाले समय में तीन राज्यों में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव, उसमें से तीन की मैं बात करता हूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं।